ये दुनिया की इंजीनियरिंग डॉक्टरी तो काम आने वाली नहीं है। आखिरत में ये डिग्री तो फरिश्तों को हम नहीं बता सकते कि मेरा बच्चा डॉक्टर था, मेरा बच्चा इंजीनियर था, हम नहीं बता सकते, वो काम आने वाली नहीं है। हाँ मेरा बेटा हाफिज था, हाँ मेरा बेटा कुरान मजीद को मुकम्मिल किया, हाँ मेरा बेटा जो है आलिम था, मेरा बेटा फाजिल कोर्स किया, मेरी बेटी जो है कलाम मजीद बड़े तलफ़ुस के साथ पढ़ती थी, मेरी बेटी को इतने सूरे याद थे, मेरी बेटी रातों में उठ के तहज्जुद पढ़ती थी, मेरी बेटी नमाजों की पाबंद थी। अल्लाह कहेगा कि इसको माफ़ कर दो, इसको जन्नत में डाल दो। फरिश्ते कहेंगे या रब्बुल आलमीन इसके गुनाह बहुत हैं, बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, पहाड़ों के बराबर इसके गुनाह हैं। हाँ तो इसका बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, खबर में इसका अजाब रोक दो कि देखो इसकी औलाद की औलाद, अगर आज मेरा नवासा मेरी मेरा पोतरा मेरी पुत्री अगर बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह भी बोलती है तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा। मेरे दोस्तों, बच्चों के मुंह से बच्चों को अजान देना सिखाओ, बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाओ। ये इसके लिए साहिब इस्तेदाद लोग हैं जो बड़े बड़े शादियों में लाखों करोड़ रुपये खर्चा करके नाच गाने औरतों का नाच और पैसे लुटा रहे हैं, उन तमाम से मैं कहूँगा अरे मेरे दोस्त आप सब कुछ कर चुके, अपने बस्ती के अंदर अपने घर का एक कमरा खोल दीजिए एक घंटे के लिए, वहाँ पे किसी अच्छी उस्तादीमा को, कोई अच्छी पढ़ी लिखी हाफिजा हाफिजा खातून को कुछ पैसे देकर, महाना 4,000-5,000 रुपये देकर सारी बस्ती में ऐलान करा दीजिए कि यहाँ जाके कुरान तलफ़ुज़ के साथ पढ़िए। और साहबा इकराम और अल्लाह के नबी रज़ियल्लाहु ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर जो है सुनिए, तो वो लोग आके बैठेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, आपको उसका सवाब मिलेगा, आपके माँ बाप को उसका अजर मिलेगा, दीन की जितनी इज्जत करेंगे आपको मरने के बाद भी कहा जाएगा। मरने के बाद वो औरतें वो बच्चे वो बच्चियां जो कुरान पढ़ेंगे तो उसका प्रॉफिट आपको खबर के अंदर आपके अमलनामे में आएगा। हर बस्ती के अंदर आप जो है ऐलान करें, देखें बस्ती में आया नहीं है, छोटे बच्चों का मदरसा, बच्चियों का मदरसा, और जो है वही मदरसा देख रहा था उस मदरसे के अंदर में बहुत मदरसे रहा। एक दिन मैंने बड़े ताज्जुब से गौर किया, देखा आसाम के वगैरह से 50-60 बच्चों को आके मौलवी साहब यहाँ मदरसा चला रहे हैं, हैदराबाद में चला रहे हैं, लोगों को खाने पे बुला रहे हैं, जाने भी जाकर कपड़े देना होगा। बाद में उन बच्चों से बैठ हुआ पता चला ये बच्चे हैदराबाद के नहीं है, ये बच्चे तो बाहर से दूसरे स्टेट से लेकर के यहाँ मदरसा चला रहे हैं, चूंकि हम मुसलमान बहुत देते हैं उनसे बचिए, उनकी तहकीक कीजिए, बच्चे यहाँ पढ़े हैं जो बस्ती के बच्चे हैं जो इब्तदाई दीनी तालीम में, कि कितनी उम्र में बच्चा मेरा कुरान मुकम्मल करेगा, कितने बारे पढ़ा मेरा बच्चा, बच्चे को इनकरेज करें उसको वो पढ़ने में बच्चे अपडेट दे, ये दुनिया की तारीख पर नहीं, अब वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, मस्त हो जा रहा है बच्चा, उस चीज जो है तालीम के ऊपर उसको आगे दीजिए। अभी हाल के अंदर एक एमएलए है बुधन के अंदर टीआरसी आमिर शकील, आमिर शकील साहब ने एरिया में जो बच्चे 500 मार्क्स कर रहे हैं उनको 50 लाख रुपए के सेना पड़े, मुझसे बात हुई थी तो शरीफ साहब मैंने 50 लाख के सेना पड़ी। तो मेरे दोस्त ऐसे काम करो कि बस्तियों के अंदर दीन के काम आगे बढ़ो, मेरे लिए कोई भी खिदमत चाहे खाता होना है कुरान शरीफ होना है आप जो है मैसेज करो, मैं आपको चल के खुदा के पीछे खुद जाता हूँ, बस्तियों में जाके ये काम कीजिए, बस यही और दुआ कीजिए कि आज के मुकद्दस दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला के अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की शहादत के सदके तोहफे में हमारे वाली की हमारे बच्चों की मग़फ़िरत फरमा दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।